हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। और बस अभी मैं बेडशीट चेंज करने जा रही थी, सोचा बेडशीट बाद में चेंज करूँगी, आप सबसे बात कर लूँ, वीडियो स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद देखूँगी। और नई बेडशीट मंगाई थी, शायद मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाई, तो अभी दिखाऊँगी, बताइएगा कैसी लगी आप सबको। तो वीडियो कंटिन्यू हो चुका है, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, भैंस का पाउडर डालना जा रहा, हमारी भैंस का काम होगा, गमोरी होगी भैंस का, हमारी पाउडर डाल दिया। देखो इसका जूड़ा बावली का। उनकी दाल की खिचड़ी बनाई है क्योंकि अक्की के पापा बीमार हो रहे, फिर से उनका वो हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। सुबह ही बच्चों को दिया था लंच में हलवा, थोड़ा सा बचा हुआ था कुछ, मैंने खा लिया उसमें से। और यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले उतार रही हूँ पकौड़ी, और पकौड़ी उतारने के बाद इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल के फिर मैं कढ़ी में छौंक लगाऊँगी। तो पकौड़ी बन चुकी है, अभी मैंने उतारने जा रही हूँ, और बस पकौड़ी उतार के फिर ये तेल रिताना पड़ेगा। बहुत बार तो मैं बाद में बनाती हूँ पकौड़ी कढ़ी छौंकने के बाद, वो टाइम के हिसाब से बनाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि टाइम है मेरे पास तो मैं, जैसे कि मैंने अब शुरुआत में बना ली तो अभी मुझे इतनी देर नहीं लग रही थी, टाइम से बन जाएगा दोपहर का खाना। और जब ये होता है कि थोड़ा लेट हो गया है और पकौड़ी वकौड़ी बनाने के चक्कर में और लेट हो जाएगा, तो फिर मैं कढ़ी को छोंक लगा के बाद में बना लेती हूँ आराम से, फिर इतनी भागा दौड़ सी भी नहीं करनी पड़ती। कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम बस इसको चलाने में ज़्यादा लगता है, नहीं तो इतनी भी वो नहीं है। बस वही है कि कढ़ी बनाने में ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि जब इसको चलाना पड़ता है ना तो सारा ही काम रुक सी जाता है। और अभी फ़िलहाल छौंक लगाने के बाद फिर इसको चलाऊंगी, तो तब तक मेरा दो तीन काम तो छूट ही जाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि कढ़ी के बर्तन हो जाते हैं साथ के साथ ही धो लें उन्हें तो अच्छा रहेगा, पर क्या करें कढ़ी में छौंक लगेगा, फिर ये चलाई जाएगी, उसके बाद ही किचन को समेटूँगी बाद में ही। तो अभी मैंने इसमें हींग डाल दिया, मेथी, साबुत लाल मिर्च और सौंफ, थोड़ी सी थोड़ा सा साबुत धनिया, और कढ़ी में तड़का लग चुका है। और बस अब इसको चलाना है, चलाने के बाद जब तक ये उबाल नहीं लेगी, खदक नहीं जाएगी, तब तक तो चलाते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये फट जाएगी अगर नहीं चलाएंगे तो। बस फिर चावल भी भिगो दिए, चावल बना लेंगे। देखे मरीज फिर से आ गए, पता नहीं कब पीछा छोड़ गए बीमारी, दो गुड़िया की लुटा रखी दो गुड़िया लुटा रखी अपने दादा, गुड़िया उसे खेल लेगा हटिए लाली ए ले छन्ना धरी है रसोई में, छल्ले में धरी है अब ज्यादा हो रहा है मम्मा के साथ, अब अपने मम्मी के पीछे रहा है। एक की पढ़ाई का टाइम ये होता है। विभू नहीं खोलते नहीं सा, चोट लग जाएगी हाथ में, चोट लग जाएगी। विभू विभू
दोनों का बाल पाए जा रहे, बाल तो है ही नहीं बाल, कहाँ है बाल, है ही नहीं अभी का के बाल। कहाँ जा रही, वहाँ बंदर है, बंदर है। मक्खन देखे सानू कह रही हुई नचो रोदा है हमारे छोटे से पेड़ पे जो नीचे वहां की लेने लाए। अमरूद तीन चार नरम से कैड़े सारे सारे खराब हैं, मतलब है तो पर नरम बहुत कम है, कैड़े सारे भाग के दिखा काले का जाने वहीं रखो, चलो चप्पल से नहीं खेलते, वहीं रख के आओ, चलो
तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से है बेड शीट, ये पिलो कवर है, ये पिलो कवर है इसके, और ये है बेड शीट। अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। लाइट कलर है, जल्दी गंदी हो जाएगा। इस वीडियो के साथ ही मैं एंड कर रही हूँ। और आप सबको वीडियो कैसा लगा, बेडशीट कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छे से आप सबको कल की वीडियो में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।